सबको प्रणाम। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया आप लोगों से गुफ्तगू होने का। केरला अपने सुंदर विचारों से हम लोगों को मंत्रमुग्ध किया। प्रोफेसर राजीव तिवारी जी ने अपनी बातें रखी, अभी सुरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नागभूषण जी बात करने वाले हैं, उनके पहले संक्षेप में मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। वी ऑल नो इफ यू वांट टू चेंज द कंट्री देन चेंज द एजुकेशन, चेंज द एजुकेशन इटसेल्फ। तो without changing the education, it's not possible to change the country, it's not possible to change the way of thinking, to change the way of working. मुझको पहले परिवर्तन करना है, बाद में हम समाज को देश को कर सकते हैं। Education will inspire us to anticipate the future and imagine the unthinkable. सभी महानुभावों ने, हमारे देश के जो महान महानुभाव हैं, सभी ने कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार है बदलाव का। उनमें बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहेब अम्बेडकर, आप जानते हैं। एजुकेशन तो है जरूर, हमको बदलाव की ओर ले जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया मोड यहाँ ले लिया है। प्रोफेसर तिवारी जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात की है कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ ले जाना है और कौशल को इसमें जोड़ना है। कौशल को केवल ऊपरी सतह पर नहीं, वो कोर्स पार्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट के रूप में कौशल को हमको जोड़ना है और प्राथमिक शिक्षा को बहुत ही सीरियसली थर्ड ईयर से शुरू करनी है और जो अन्य डिपार्टमेंट बाल विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय में उसके तहत जो आते हैं उसको प्राथमिक शिक्षा विभाग में ले लिया गया है, जिससे इन लोगों को बिल्डिंग की, इमारत की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तब से सीखने का कार्यक्रम होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फायदा सुदूर गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, स्लम्स में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को हमारे घर में, हमारे समाज में ये शिक्षा का माहौल नहीं होता, संस्कृति का माहौल नहीं होता, ट्रेनिंग का माहौल नहीं होता, केवल पेट भरने का माहौल होता है। इस जद्दोजहद से बहुत बड़ी आबादी को बाहर उठाने की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति से की गई है कि इन लोगों को एक इस तरह का एक बेहतरीन माहौल दिया जाए सीखने का, खान पान की भी व्यवस्था वहां की जाए, नाश्ते की व्यवस्था की जाए, जो और लंच की व्यवस्था की जाए। ये इस कारण ये लोग वो खाने के लिए घर जाए और वहां काम करना शुरू करे, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी इंक्लूसिविटी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप समझते हैं कि सबको शिक्षा देनी चाहिए, इससे बड़ा इंक्लूजन क्या हो सकता है? वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, ज्योग्राफिकल बैरियर्स के बावजूद भी सबको, लड़की को पहले, लड़के को, दलितों को, अस्पृश्यों को, गिरिजनों को, गांव में रहने वालों को, सुदूर गांव में रहने वालों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रोफेसर तिवारी जी ने क्यों मातृभाषा में शिक्षा देने की जरूरत है इस पर फोकस किया, इसलिए मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ता हूं। केवल प्राथमिक शिक्षा में ही नहीं, मातृ शिक्षा
मातृभाषा की शिक्षा की बात नहीं की, हायर एजुकेशन में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रपोज किया कि कुछ इस तरह के यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग होना चाहिए जहां मातृ शिक्षा में मल्टी लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए। आपको बता दूं, मैं कर्नाटक से आता हूं और मेरी शिक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड से बीए पूरा करने तक कन्नड़ मातृभाषा में हुई, एक्सेप्ट केवल मेजर हिंदी थी, केवल हिंदी में होती। इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत क्लियर है, मेरे समकालीन लोग जितने हैं उन सबको क्लियर है। हिंदी में हमारी शिक्षा हुई, हिमाचली में हमारी शिक्षा हुई, और उर्दू में हमारी शिक्षा हुई, तेलुगु में हुई, मातृभाषा में हमारी शिक्षा हुई, जिसके कारण से हमारी जो सिंपल कॉन्सेप्ट हमको बहुत जल्दी बहुत आसानी से मालूम। तो मातृभाषा का महत्व भारत ने समझ लिया है, मातृभाषा का महत्व विद्या मंत्रालय ने समझ लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझ लिया है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने समझ लिया है, हम शिक्षकों को भी समझने की जरूरत है। हम शिक्षकों को सभी लोग बड़े इज्जत देते हैं, हमको भी विश्वास करना होगा, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम बहुत बड़े गौरव को वहन करते हैं समाज में, क्योंकि हम एक भविष्य को रूपायन करने वाले हैं। 30 ईयर्स 40 ईयर्स के भारत को हम निर्माण करने जा रहे हैं, हमको अपनी अहमियत को जानते हुए शिक्षकों को आगे बढ़ने की काम करने की जरूरत है। एनईपी स्पीक्स अबाउट ओपन ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन लिफ्ट बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटीज आउट ऑफ द साइकल्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। देखिए, जो तकलीफें हैं ये उसकी साइकिल है, उससे ऊपर आने के लिए व्यक्तियों को, समाज को शिक्षा नीति ने प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए जो कार्यक्रम होना चाहिए वो सब दिया है। एंड मेकिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल, स्पेशली एसईडीजीज को सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कहा गया। ये सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कौन है? ये एससीज हैं, एसटीज हैं, ये माइनॉरिटीज हैं, वुमेन हैं, ये ट्रांसजेंडर्स हैं, ये ज्योग्राफिकल बैरियर से पार करके आने वाले लोग हैं। द डायनेमिक्स एंड ऑल्सो मेनी रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ एसीडीज फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम आर कॉमन इवन फॉर प्राइमरी एज वेल एज हायर एजुकेशन। एक बात मैं अक्सर बहुत मुझे पसंद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि पहली बार शिक्षा में, विद्या में हम भारत पर बात कर रहे हैं, अपने देश पर बात कर रहे हैं, अपने हैबिटेट पर बात कर रहे हैं, अपने समाज पर बात कर रहे हैं, अपने पोखरों पर बात कर रहे हैं, अपने गांव पर बात कर रहे हैं, अपने किसानों पर बात कर रहे हैं, बैल गाय भैंस की बात हम कर रहे हैं। ये हमारे विद्या में, हमारे क्षेत्र में अब गायब है। और शिक्षा बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, तुमको ये पढ़ना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। अब कभी मजाक में मैं कहता हूं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनकर क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है, एटीएम बनना है। शिक्षा नीति ने पहली बार मानव बनाने की, विद्यार्थियों को, छात्रों को मानव बनाने की बात की है, भारतीय बनाने की बात की है, मानवता का प्रतिपादक बनाने की बात की है। इसीलिए एनईपी स्पीक्स अबाउट टू अलाउ फिश टू स्विम इन वाटर, अलाउ मंकी टू क्लाइंब ट्री। Nowadays, we are forcing monkey to swim in the water. We are forcing fish to climb the tree. इसीलिए तो हम गांव के लोग पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम आदिवासी पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए तो दलित, हालांकि
कभी साइंस लेना हम पसंद नहीं करते, हम सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस लेना पसंद करते, इकोनॉमिक्स लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है। तो इस बैरियर को खत्म करना है तो प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन मातृभाषा में दे दो। पॉवर्टी एंड इनएक्सेसिबिलिटी ये बहुत बड़े शाप हैं और इस शाप से विमुक्ति एनईपी से होने की बात की गई है। एनईपी स्पीक्स अबाउट सर्टेन फैसेट्स ऑफ एक्सक्लूजन व्हिच आर मोर इंटेंस इन हायर एजुकेशन टू एड्रेस देम टू इंक्लूड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आपको बता दूं, मैं बीए पास करने के बाद एक बरस एमए नहीं कर पाया, मैं कहीं काम करने गया, काफी बगीचे में कुर्ग में पैसा कमाया, फिर एक बरस बाद मैंने एमए किया। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये भारत के गरीबों की बात है। हम 80% लोग गरीब हैं और दिल से ठीक है, दिल से तो सब हम दिलवाले हैं, लेकिन पैसा भी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और एडमिशन प्रोसेस की बात यहाँ की गई है, ये एडमिशन प्रोसेस में हाउ टू इंक्लूड लोकल पीपल, हाउ टू स्ट्रेंथन देम देयर स्ट्रेंथ टू कम अप इन एडमिशंस, मैंने अमरकंटक में इसको अमलंदाज किया और आई हैव ए वेरी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम अमरकंटक। ज्योग्राफिकल एंड लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पुअर एम्प्लॉयबिलिटी। अब देखिए, बच्चे पढ़ने के बाद, पीएचडी करने के बाद, बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिलती तो केवल हम भाषण से उनका पेट नहीं भरा सकते, वो उनके केवल हमारे भाषण से, हमारे उपदेश से, हमारे हमारे कहना कि आप शांत रहो कहने से नहीं होगा, क्योंकि उनके माँ बाप वहां गांव में भूखे पड़े हैं, आशा में है कि वो इलाहाबाद आ रहा है, मेरा हमारा बेटा प्रयागराज में पढ़ रहा है और बहुत जल्दी आएगा, नौकरी करेगा, हमको पेट भरेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनईपी ने स्किल को एजुकेशन के साथ जोड़ा है। अब एडिशनल एक्शंस की बात, स्टेप्स टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात एनईपी ने की है। एयरमार्क सूटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ एसडीजीज, सेट क्लियर टारगेट्स, अपग्रेडेशन ऑफ जीईआर, एनहेंस जेंडर बैलेंस इन एडमिशंस इन एचईसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वी हैव 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन अवर कंट्री ऑफ 28 स्टेट्स। यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, सैनिटेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, प्राइमरी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, अपग्रेडेशन ऑफ टीचर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और स्पेशल एजुकेशन जोन्स में एनईपी ने कैसे शिक्षा को आगे ले जाना है ये बात की है। हायर एजुकेशन कैन ऑल्सो टीच इन लोकल लैंग्वेजेस एंड बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम की बात एनईपी ने की है। स्कॉलरशिप की बात की है कि फेलोशिप शुड बी गिवन टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स आउट यू नो बाय सीइंग नॉट सीइंग द क्लास एनी अदर थिंग्स कास्ट एनीथिंग द एलिजिबल कैंडिडेट एलिजिबल स्टूडेंट शुड बी सपोर्टेड। डेवलप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स ऑल्सो। मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, फीस को कम करो, स्कॉलरशिप को फेलोशिप को ज्यादा करो। कंडक्ट ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स, मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति था और एक विश्वविद्यालय का अभी कुलपति बन गया हूँ, हम जानते हैं कि आउटरीच प्रोग्राम्स हम डॉक्यूमेंटेशन में कितना अच्छा बनाते हैं, ग्राउंड में कितना हम खराब रहते हैं, और मैं तो एज ए टीचर मैं अभी कहता हूँ, आप में से कई लोग वीसी बनने वाले हैं, वीसी बन गए हैं, वीसी के रूप में काम कर रहे हैं, उस विश्वविद्यालय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विश्वविद्यालय है जहां वीसी को क्लास लिया है कि नहीं टीचर्स,
रॉन्ग लेना पड़ता है ना। वो विश्वविद्यालय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विश्वविद्यालय है, और वो सौभाग्यपूर्ण विश्वविद्यालय है जहां वीसी को, रजिस्ट्रार को क्लास लिया या नहीं लिया उसकी चिंता नहीं, क्योंकि उनको पक्का है कि हमारे टीचर्स इतने पक्के हैं, 11 बजे है तो 11 बजे क्लास लेंगे, 12 बजे छोड़ना है तो 12 बजे क्लास लेंगे, विद प्रिपरेशन दे विल गो टू क्लास। इससे बड़ा भाग्य और कहीं नहीं हो सकता। मेक करिकुलम मोर यू नो इंक्लूसिव। इंक्लूसिविटी क्या होती है वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल वो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ज्योग्राफी में उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय बना है वहां लाइमस्टोन कहाँ है, वहां माइंस कहाँ है, वहां वाटर रिसोर्स कहाँ है, ये विदाउट टेलिंग समबड़ी, विदाउट पर्सिंग समबड़ी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ये सब रेडी करके वेटिंग करके रखना चाहिए। दे शुड बी एबल टू गाइड द वाइस चांसलर, दे शुड बी एबल टू गाइड द स्टेट गवर्नमेंट, गाइड द माइनिंग डिपार्टमेंट, गाइड द सीमेंट फैक्ट्रीज, गाइड द वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, दैट हु इज कॉल्ड द रिसर्चफुल टीचर। द टीचर मस्ट वर्क विदाउट टेलिंग एनीबडी, विदाउट पर्सिंग एनीबडी, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ माई सेल्फ, I am the owner of myself. Vice Chancellor is not my owner. Vice Chancellor is not my boss. I am our boss. I am myself boss. ये टीचर की एक अहमियत होती है। सौभाग्यवश हमारे देश में ऐसे टीचरों की संख्या बहुत बड़ी आबादी में अभी भी मौजूद है। अब बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज की बात है, दे शुड बी easily accessible to wheelchairs, they should be disabled friendly, we should make bridge courses for students that come from disadvantaged backgrounds। बहुत सुदूर गांव से आए हैं, वो आते ही उनको हम इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू करेंगे तो क्या किया जाए। मैं बीए पार्ट वन में हिंदी लिया, मुझे एक बरस हिंदी मालूम नहीं हुई, हिंदी वॉज ए फॉरन लैंग्वेज टू मी, मजबूरन मुझे, मैंने हिंदी ली थी मजबूरन, क्योंकि अगस्त में मैंने एडमिशन के लिए गया, काफी स्टेट्स में काम करने गया, तो अगस्त में गया तब मुझे मालूम हुआ कि सब खत्म हो गए हैं, तो वो प्रिंसिपल ने कहा केवल हिंदी में बचा है, देखो हिंदी मैंने ले ली, दिस वंडरफुल हिंदी मेड बी वाइस चांसलर। मतलब हमारे देश में किसी भी भाषा, किसी भी सब्जेक्ट कोई कमी नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस ये है कि उसको हम कम बनाते हैं हम खुद, उसको बड़ा बनाते हैं खुद हमारा व्यवहार, इसको हमको ध्यान में रखना है। वी हैव टू सेंसिटाइज द फैकल्टी काउंसिलर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज, इवन वी शुड इंक्लूड जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वलिटी इन करिकुलम, डेवलप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स दैट specific plans for action on increasing participation from SCDs. ये सब चीजें एनईपी में, ये जो भी बातें मैंने अब तक की है इक्विटी एंड इंक्लूजन की, ये एनईपी में उपलब्ध है। फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मैंने कहा SCDGs, जेंडर आइडेंटिटीज पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज सच एज SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज सच एज स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, डिसेबिलिटीज सच एज इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, नॉट ओनली फिजिकल डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज हम सब जाते हैं क्या क्या होती है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, मैंने वो लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात मैं थोड़ा सा और एक मिनट में उसको साफ करना चाहता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इन द मंथ ऑफ मार्च दे हैव फॉर्मड ए कमिटी ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया, तो मैंने उस कमिटी में ये बात रखी, SC ST के बच्चे क्यों साइंस पसंद नहीं करते,
क्यों टेक्नोलॉजी पसंद नहीं करते, अंग्रेजी क्यों पसंद नहीं करते, और इन हायर एजुकेशन रिसर्च ऑफ आवर कंट्री देर आर 55% गर्ल स्टूडेंट्स आर रिसर्चिंग, दे आर पर्सुइंग देयर हायर स्टडीज पीएचडीज एमफिल्स इन हायर एजुकेशन, बट व्हाइल एम्प्लॉयमेंट इट इज 35%. तो मतलब ये 20% कहाँ गया? 20% लेडीज जो हायर एजुकेशन परस्यू किए, एमफिल किए, पीएचडी किए, प्रोजेक्ट्स किए, वो टीचिंग में रिसर्च में क्यों बाहर? दैट इज वेयर इंक्लूसिविटी हैज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. वी हैव टू, मतलब द डोर्स शुड बी ओपन टू एवरीबडी एंड प्रॉपर एजुकेशन शुड बी गिवन to everybody. We should not talk about reservation, we should not talk about percentage, we should talk about equal opportunities of higher education, equal opportunity of primary education through mother tongue. Socio-economic conditions such as migrant communities, low income households, children in vulnerable situation, victim or children of victims of trafficking. See, NEP has taken seriously the account of trafficking of women. ये पहली बार किसी NEP ने बात, ये education policy ने बात की है. Yes, भारत में या किसी भी देश में, third world में, गरीब देशों में स्त्रियों का शोषण किस तरह हो रहा है, trafficking कैसे हो रहा है, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, फैसिलिटीज दिया जाए, एक्सटेंशन ऑफ फेलोशिप स्कॉलरशिप हॉस्टल फैसिलिटीज की बात इसमें की गई है, ऑर्फन्स की बात की गई है, इंक्लूडिंग चाइल्ड बेगर्स की बात, अर्बन एरियाज बेगर्स ऑफ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज की बात एनईपी में पहली बार की गई है. एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज मोस्ट inclusive nature of policy it has to include everyone, the whole Indian into the process. इस process में हर भारतीय को जोड़ना है, स्त्रियों को जोड़ना है, SC/ST को जोड़ना है, जिनको शिक्षा नहीं मिली है उनको जोड़ना है, और जिनको शिक्षा मिल रही है उनके साथ शिक्षा पाकर वो गरीब नहीं होना चाहिए, शिक्षा पाकर उनको श्रीमंत होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, उसके लिए उनको स्किल जोड़ना है, वो भी स्किल भारतीय स्किल्स को जोड़ना है. मैं अक्सर ये दो बरस की हमारी प्रोसीडिंग्स में मैं अक्सर बात करता था, आप हम लोग जो फॉरेन विजिट करके फॉरेन एजुकेशन लेकर आए हैं, वी आर लकीस्ट, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हम फॉरेन नहीं गए, फॉरेन एजुकेशन नहीं पाए, हम गरीब नहीं है, वी आर ऑल्सो रिच. बींग ए सन ऑफ ए फार्मर, आई एम प्राउड अबाउट दैट. इसी किसान के बेटे होने के कारण से, आप में से कई लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग हैं, कारण से कई स्किल्स अचानक मुझे आ गए, अचानक अपने आप मेरे DNA में आ गए. ये हमारी भारतीय शिक्षा में, इसीलिए भारतीय स्किल्स को, भारतीय नीतियों को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, बढ़ई को जोड़ना है, कॉर्पेंटरी को जोड़नी है, ब्लैकस्मिथरी को जोड़नी है, और जिससे पशुपालन, गाय पालन, यू नो गोट रेयरिंग, ये सब जोड़ना है, जिससे बच्चे बागवानी को सिखाना है, वो पार्ट ऑफ सिलेबस बनाना है. इसके लिए हमको करोड़ों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती. एक बार टीचर हम अपने आप को अच्छा रखे, अच्छे बात करने की कोशिश हम लगातार करते रहे, तो विदिन वन ईयर वी कैन सी ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज आवर फैमिली. ये बातें जो मैंने अभी कही, ये सब बातें आपको मालूम है, बस मौका मिला तो सोचा चलो कुछ बातें आपके सामने रखी. मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने धीरज पूर्वक मेरी बातें इतने दिनों, इतने समय तक सुनी, और टीचर
एसोसिएशन एंड हमारे राकेश सिंह की एसोसिएशन दोनों ने मुझे यहाँ भाग लेने का, आप लोगों से गुफ्तगू करने का एक चांस दिया, मौका दिया। आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।